Do you want to know how to reduce those sugar cravings and reduce your sugar intake without going crazy? Why I can tell? Even I was very having sugar cravings, and how I have come across the tips to reduce sugar intake without going crazy. Hi, my name is Dr. M.K. Shivani. I'm a medical professional, serial entrepreneur and a wellness coach. And I'm going to, in this today's video, if it makes sense to you that you are eating too much of sugar and getting sugar cravings, and if you have got a diabetes tendency, or anyway the sugar is not good. So I'm going to talk the practical tips so I can understand how I have come across with my knowledge of nutrition and also a practical experience. Hi, my name is Dr. M.K. Shivani. If it makes it interesting, you can watch this video. The first thing, बहुत sugar कम करना ये बहुत easy बात नहीं है. I can understand that. So it is about tackling the added sugar. I am not calling कि natural sugar, जो हम natural fruits में sugar लेते हैं उसमें तो natural sugar रहेगा, that's okay. जो fruits में, and it is always told for the diabetic patients कि fruit ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उसमें ज़्यादा natural sugar होता है. That is true. But this natural sugar is added with the fibers, vitamins and minerals, तो अच्छा है. But having too much of added sugar and also a white sugar is not good. So how we can tackle these cravings and addiction is, first of all, कि आपको aware होना चाहिए कि normal intake कितना होना चाहिए. तो WHO कहता है कि हमको रोज 50 ग्राम per day added sugar चलेगा, ऊपर से चलेगा added sugar. But अगर आपको ज़्यादा healthy रहना है तो ideally आपको 25 ग्राम का sugar. बट आर यू अवेयर, अगर आपने एक कोक सोडा ले लिया तो उसमें 40 ग्राम्स ऑफ शुगर होता है, तो आपने पूरा तो कोटा खत्म कर लिया. देन आप ज्यादा खा रहे हैं जो प्रोसेस्ड फूड है, केक्स एंड बेकरी आइटम्स, उसमें एडेड शुगर होता है. बट डोंट वरी, इट इज बिकॉज यू आर नॉट अवेयर. नाउ यू नो द एडेड शुगर एंड आर्टिफिशियल शुगर सीरप्स, ये जो है हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, इवन दो यू आर नॉट डायबिटिक. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे ब्रेन को ये शुगर हैक्स कैसे, हम रॉन्ग शुगर इनटेक से हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं. तो जैसे फर्स्ट है, आपको ये लेबल्स रीड करना बहुत जरूरी है. कुछ भी आप बाजार से लाते हैं, एनीथिंग, द फर्स्ट थिंग इज दैट अगर आप वो लेबल देखोगे और उसमें देखेंगे शुगर का कंटेंट कितना है, तो यू विल बी अमेज्ड. 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 350 ग्राम, सो यू विल गेट जैप कि मेरा डेली रिक्वायरमेंट तो 50 ग्राम है, 25 से 50 ग्राम है, तो ये कितना है. देन लुक फॉर सीरप्स, एंड बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आल्सो देयर आर 60 टाइप्स ऑफ शुगर्स विच आई एम नॉट अवेयर अबाउट, तो फॉरगेट अबाउट मी, फॉरगेट अबाउट यू ऑल्सो. लेकिन लुक फॉर शुगर, मैपल सिरप, दिस सिरप एंड एनी इन्ग्रीडियंट रीडिंग विथ एंडिंग विथ ओ एस ई, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ऑल दैट. ये हो गया तो आपको अवेयरनेस आ जाएगा, बाप रे ये जो मैं खा रहा हूं उसमें कितना शुगर है. सेकेंड थिंग इज देयर कि आप अगर होल फूड्स खाएंगे, जैसे फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, सो दैट इज ओके. अगर आप वो फ्रूट्स खाओगे जिसमें नेचुरल शुगर है, तो आपको वो ज्यादा शुगर क्रेविंग नहीं होगा. तो इट्स ओके टू हैव दैट नेचुरल शुगर, बट नॉट दिस एडेड शुगर. थर्ड जो है कि डू नॉट ड्रिंक द कैलोरीज. यूजुअली ऐसे पाया गया कि हम शरबत ले लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, इवन बाहर का कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे हैं तो घर में ही शरबत बना के पीते हैं, तो उसमें नेचुरली आप तो शुगर डालोगे ही डालोगे. और नेचुरल जूस भी है, फ्रूट जूस भी बाहर का मिलता है, उसमें भी नेचुरल एडेड शुगर होता है. तो डू नॉट ड्रिंक दोज कैलोरीज. वॉट यू कैन हैव इट्स विदाउट शुगर यू कैन हैव, सो डोंट एड दैट दिस थिंग. फोर्थ इज देयर हेल्दी स्वीटनर्स, इट इज अ मिथ, सो डोंट गो फॉर दैट हेल्दी स्वीटनर्स. Please don't go for that. The fifth is there, eat more protein. Whoever has joined just now in between, I am just talking in this video about those 10 tips to reduce your sugar and sugar cravings without going crazy. Maybe you are diabetic or you are not diabetic, it's okay. I'll just repeat, the first thing is there, you have to understand how to read labels and see the sugar content. Second thing is there, replace with whole foods which contains the natural sugar, so you will not have sugar cravings. The third is that do not drink the calories. ये शरबत पी लिया, ये drink पी लिया, energy drink पी लिया, which contains the high sugar. So don't go for that. The healthy sweeteners, just avoid that. The fifth one is that eat more protein. Even if you are having any snack,
इफ इट इज विथ प्रोटीन व्हाट विल हैपन इज प्रोटीन विल गिव इंस्टेंट एनर्जी, तो ये प्रोटीन के साथ आप कुछ भी स्नैक करेंगे तो अच्छा रहेगा. एनी स्नैक यू आर हैविंग फ्रूट जूस और फ्रूट स्मूदी, इफ यू अप्लाई मीन्स एड द प्रोटीन पाउडर एनी वेयर बिटवीन 10 to 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन, इट इज नॉट द स्कूप, उसका कंटेंट जो है वो 10 ग्राम से 20 ग्राम होना चाहिए इन वन, देन इट इज वेरी गुड. देन ईट मोर ऑफ गुड फैट, अगर आप गुड फैट खाओगे तो दैट इज गुड रादर देन एडिंग शुगर. तो कौन सा है गुड फैट, दैट इज एवोकाडो वगैरह है तो आप खा सकते हैं गुड फैट. इवन यू कैन ईट कोकोनट इन बिटवीन, उसको थोड़ा सा नेचुरल जो है जैगरी वगैरह लगा के आप खा सकते हैं. देन अवॉइड शुगर एज अ स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक. आई नो दैट कि बहुत बार स्ट्रेस हो जाता है तो आपको लगता है कि शुगर खाना चाहिए. इवन आई वॉज गोइंग अंडर गो लॉन्ग बैक वेन आई वॉज स्टडिंग मेडिसिन एंड लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड लॉट ऑफ स्टडी, ब्रेन वॉज गेटिंग स्टॉर्म हो रहा था, तो नेचुरली दैट टाइम वी यूज टू ईट केक्स एंड बिस्किट्स एंड मीठा मीठा खाते थे. बट डोंट यूज फॉर दिस यूर स्ट्रेस बस्टर टू ईट समथिंग शुगरी. वॉट यू कैन डू इज इंस्टेड ऑफ दैट स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि दूसरी बहुत सारी टेक्निक्स है, योगा मेडिटेशन, बट इन दैट हैक कर सकते हैं कि आपको ऐसे लगता है तो पेट के साथ योगा कर दो, ऐसे कुछ भी है, बट डोंट यूज ईटिंग स्वीट्स टू रिड्यूस योर स्ट्रेस. देन कीप दिस शुगर स्नैक्स आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. सो यू हैव टू रियली सी कि वॉट टू कीप इन योर फ्रिज. If you are staying in a joint family and teenagers ko to bahut sugar lagta hai, ideally they follow us only, but even if you cannot tell them, they can have it till the age of 20-25, but you keep those sugary snacks. In my, what I have done is, I have got two fridge in the house. One is my fridge with the healthy snacks, one is little unhealthy snacks for my teenager. So out of sight, out of mind. So don't keep those sugary snacks in the fridge. The low sugar snacks you can have, that is you can have, it is a hack again I am telling you, the whole food treats up banao, whole food. Aise kuch bhi sweet bana ke khaya, shira khaya, ye nahi. Whole food jo hai na, uske saath thoda sugar dal ke. I'll give you a very nice rich recipe I will like, and it is, again it is a brain stimulant. What you can do is, you can banana or grapes. ये जो दोनों है आप फ्रोजन करके रख सकते हैं. हैव यू ट्राइड दैट फ्रोजन ग्रेप का टेस्ट? वेन एवर यू आर हैविंग लिटिल शुगर क्रेविंग्स एंड यू फील लाइक ईटिंग समथिंग शुगर और शुगरी स्नैक्स, इंस्टेड ऑफ दैट यू मेक दीज लो शुगर स्नैक्स एज अ ट्रीट्स, तो थोड़ा सा फ्रोजन वाला ग्रेप है ना आप खाएंगे ना तो अच्छा लगेगा. सेकेंड थिंग इज देयर, समटाइम्स यू हैव टू पैम्पर यूर सेल्फ. द फ्रोजन बनाना है ना, फ्रोजन बनाना ले लो, उसके ऊपर आप कोकोनट श्रेड करके डाल दो और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप जो है थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स डाल के, सो इट विल लुक यमी एंड यू विल हैव दैट शुगरी क्रेविंग. सो इट इज जस्ट दैट विथ हाई शुगर वी आर रिप्लेसिंग लिटिल लोअर शुगर. वन इज एप्पल नाचो ऑल्सो, सम पीपल लाइक नाचो, तो नाचे के ऊपर भी एप्पल डाल के थोड़ा सा सिरप डाल के, सो यू ऑल्सो फील कि यू आर नॉट गेटिंग डिप्रॉयड और समथिंग. इट इज जस्ट हैक, इट इज नॉट एवरी डे यू विल डू इट, बट एटलीस्ट वेन एवर यू आर अंडर गोइंग यू कैन डू दैट. देन इट इज ऑलवेज सेड दैट नेवर से नेवर, आई नेवर ईट स्वीट्स. देन यू आर टेलिंग लाइक दैट बट यूर ब्रेन इज नॉट बिलीविंग इन दैट. See, what happens is when you are having a big celebration at home and your elders are getting celebrated, maybe for some marriage anniversary, if you are having a more event, you cannot say, I cannot eat sweets and I'm more disciplined. Your brain will not attack and it will show at it. So what you can do is you can have little bit. You have a mindful eating and you have that way. So these are my 10 tips how to reduce your added sugar just by replacing some bad habits with good habits. So this is this, and stay tuned tomorrow how I'm going to talk about those 10 natural sugar foods which you will be shocked to know the sugar content. It is just awareness program. I always believe that more than giving a theory, it's a practical tip, what we have learnt with the awareness, what we have gone through and how we have come across. So look for those 10 natural foods you think is sugary, how much sugar they have. So that will bring you little awareness. So your sugar content of added sugar, apart from your natural sugar, which is available in fruits, it's a good natural sugar
with fibers and vitamins, mineral taken into the moderate amounts. So these added sugar is you can take only the 50 grams per day. To have a healthy lifestyle, you have only 25 grams per day. How you can do it? When you can start reading the labels. So don't go for those processed foods, cakes, bakery items and those syrups and those cold drinks and this processed food and refined foods. So stay tuned tomorrow for the next episode and watch my Insta story where I'm going to give everyday topic in advance, and do join for my Insta. If it finds interesting and valuable for to you, do not forget to subscribe to my channel and tell your friends to subscribe to my Insta and YouTube. Thanks for joining again. Signing off for the day, Dr. M.K. Shivani.